हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक और नई भर्ती का ऐलान किया गया है और यह भर्ती पुलिस विभाग में दी जा रही है। यानी यूपी में लगभग 6000 से अधिक पदों पर वैकेंसी दी जाने की खबर मिल रही है, जिसकी जानकारी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित की गई है और यह जानकारी कल ओपी सिंह डीजीपी ने दिया है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी हो सके और साथ में इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, यूपी में एक और नई भर्ती का ऐलान किया गया है और यह भर्ती यूपी पुलिस में लगभग 6000 से अधिक पदों पर वैकेंसी दी जाने की खबर मिल रही है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस को और अधिक आधुनिक करने के साथ ही 5673 नए पदों पर भर्ती की जाएगी और इसमें 19 राजपत्रित अधिकारी होंगे, 209 पद इंस्पेक्टर और 573 पद सब इंस्पेक्टर के होंगे। इसके साथ ही 5091 पद पर सिपाही की भर्ती होगी। यानी टोटल की बात करें तो लगभग 6000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आने की खबर मिल रही है। और आगे ओपी सिंह डीजीपी ने बताया है कि इन भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। यानी इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा और इसका फॉर्म फिलअप बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी आप लोगों को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से ओपी सिंह डीजीपी के द्वारा दिया गया है। और आगे इस यह जानकारी दी जा रही है कि डीजीपी ओपी सिंह बुधवार को इस बारे में बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि 3 महिला बटालियन लखनऊ गोरखपुर बदायूं में खोलने के लिए शासन को प्रस्ताव दिया गया है। डीजीपी ने कहा है कि बीते साल 3195 पद इंस्पेक्टर और 75568 सिपाहियों की भी भर्ती की गई है। तो दोस्तों, कुल मिला के यह जानकारी यूपी पुलिस में नई भर्ती की दी जा रही है। यानी नई भर्ती में लगभग 6000 नए पदों पर वैकेंसी दी जा रही है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे और आपको इस वैकेंसी के बारे में नई नई जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।